एक गलती जो मेरे से भी होने वाली थी, इसके गियर के अंदर शायद कुछ टूट गया है, कोई गरारी टूट गई है। आई थिंक आई एम अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ दैट आई शुड हैव चेक्ड इट इन पुष्कर इटसेल्फ। बाइक में पिछले कुछ दिनों मतलब जब हम जयपुर से चले थे तब से एक आवाज़ आ रही थी और मेरा चेक करना हो नहीं रहा था। आई शुड हैव चेक्ड इट एट पुष्कर इटसेल्फ, बट हुआ नहीं। बट तब जोधपुर आके कल जब मैं आ रहा था तब ऐसा लगा कि आवाज़ जो है थोड़ी और बढ़ चुकी है। नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन द साउंड, जब मैं फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर तक धीरे धीरे गाड़ी का जब स्पीड पिकअप कर रहा है तो एक गड़गड़ 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 करके आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ ऐसी लग रही थी कि एज इफ चेन अगर बॉडी से या कहीं से अगर टच करे तो जिस तरीके से आवाज़ आती है ना वो आती है। एंड वंस आई गो बियॉन्ड अ सर्टेन स्पीड, 50-55 के ऊपर जाने के बाद वो आवाज़ आती रहती है। चेन को ही चेक करते हैं पहले कि कहीं चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है, मतलब एनीथिंग दैट इज़ गॉन रॉन्ग। यूजली चेन्स लूज़ हो जाते हैं, चेन लूज़ होना नहीं चाहिए क्योंकि आने से पहले इसका 20,000 सर्विस हुआ है। And I had told the service center that I am going on a tour, so you need to check each and everything. तो मैं अज्यूम करता हूँ कि उन्होंने चेक किया था, और अगर चेक नहीं किया था तो फिर मतलब गोंडगोल वाली बात है, गड़बड़ वाली बात है। ओके, सो नाउ वी आर सेट टू चेक। इसके लिए अब क्या करना होगा, आई नीड टू अप्लाई प्रेशर ऑन द व्हील ताकि जब लगेज या बैठने के बाद जैसा प्रेशर होता है वो करेंगे। So for that I need the help of my dear friend Lokesh. Lokesh, ek baar baith jao. Yes. Sila karo. Comfortable? Now let's look at the chain. Ye dekhiye chain, dekhiye chain is loose. Can you see it? Ye jaake yahan touch kar raha hai. Ye. प्ले शुड बी कि अगर ये पोजीशन से ये मैक्सिमम अजन ऊपर नीचे मिला के शुड बी 20 mm, नॉट मोर देन दैट। ये तो मैसिव है। तो चेन को टाइट करने के लिए हमें बेसिकली दो औजार की ज़रूरत पड़ेगी, 24 नंबर रिंग स्पैनर और दूसरा चाहिए 13 नंबर रिंग स्पैनर। 24 का काम है जो व्हील का जो मेन नट है उसको लूज करना है, और 13 नंबर का काम है जो व्हील को जो आगे पीछे करता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, उसको इस चीज़ से हम एडजस्ट करते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जब हम इन जो नट्स को घुमाएंगे इनको हम क्वार्टर मूव करेंगे, एज इन क्वार्टर इज द पोजिशन वन, और यहाँ से ये दिस इज क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर मूव करेंगे और दोनों साइड के नट को हम क्वार्टर क्वार्टर करके मूव करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू कीप अ बैलेंस ऑन बोथ साइड्स। एक और क्वार्टर करते हैं, फर्क तो पड़ा है। बाय द वे मैंने 13 नंबर बोला था बट इट, मैं शायद थोड़ा सा गलत बोलूँगी, पहले 12 नंबर लग नहीं रहा था बट इट्स एक्चुअली 12 के साथ ही ये पूरा जो है ना जो नट था वो घूमा। तो मैंने अभी दो क्वार्टर टर्न्स करे थे, काफ़ी फर्क पड़ गया है। नाउ इट सीम्स ओके, तो इट्स टाइम टू लॉक। सो वी आर नाउ सॉर्टेड, अब इसका एक बार काम करते हैं चेन क्लीनिंग करके, एक ही बार में चेन क्लीन करके, एंड देन आई विल टेक इट फॉर अ स्पिन टू चेक कि वो आवाज़ फिर से आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, उससे पहले मैं दिखा दूँ कि अब मूवमेंट कैसा है। एक बहुत छोटा सा और बेसिक सा टिप, एक गलती जो मेरे से भी होने वाली थी, मैंने चेन एडजस्ट करने के बाद जिसका जो मेन नट है व्हील का, एक्सल नट जो है, मैं तकरीबन उसको टाइट करना भूल गया था। सो आई नियरली रोल्ड द बाइक विदाउट टाइटनिंग दैट पर्टिकुलर नट। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि वो टाइट रहे, और उसका एक तरीका ये है, अपना ये जो स्पैनर है ना उसको इसमें जब काम चल रहा लगा के छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि अभी भी काम चल रहा है, आपने उसको टाइट किया नहीं है, या जो भी है जॉब इज नॉट कम्प्लीट, ताकि आप भूल ना जाए कि मेरे से ये गलती अभी होने वाली थी। थैंकफुली
मैंने लास्ट मोमेंट में देख लिया था। एक नया कैन वुड का जो मुझे दिव्य पाजी ने दिया। तो मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे यू नो अबाउट माय जज्बा दैट ओ माय गॉड व्हाट हैज हैपेंड द मेजर प्रॉब्लम वुड हैव हैपेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके गियर के अंदर शायद कुछ टूट गया है, कोई गरारी टूट गई है, समथिंग हैज हैपेंड, इंजन में ब्रेक डाउन हुआ है, मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा, ये वो वगैरह 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 वगैरह। फिर मैं सोच रहा था कि अगर गियर में प्रॉब्लम है तो गाड़ी तो चलती ही नहीं, ये भी नहीं है कि गाड़ी की पिकअप नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ रहा है, यानी जज्बा हैज टू स्ट्रगल क्वाइट अ बिट टू पिकअप स्पीड, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, इट वॉज जस्ट द साउंड। बट आई मीन आई फील आई थिंक आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ दैट आई शुड हैव चेक्ड इट इन पुष्कर इटसेल्फ एंड नॉट वेटेड फॉर अबाउट 200 किलोमीटर्स की मैं उसको चेक करूँ। आई यू नो दिस कुड हैव लेड टू सम प्रॉब्लम, सो दैट्स something very stupid of me that I did. I should have checked it earlier. And this is my advice to you all also. Agar aapko problem dikhe, aap turant bullet baba ki jai ho. To agar aapko problem dikhe, aap usko turant address kare. Don't wait for later. Mere case mein late hua and thankfully nothing had happened. I am lucky. Touch wood. And Jazba is absolutely fine. जस्ट चेन वॉज लूज, अब उसको हमने टाइट कर दिया है एंड जो मैं बोल रहा था ना स्लो स्पीड पे जो एक जो आवाज़ आ रही थी वो ऐसी अब कोई भी आवाज़ नहीं है। सो द बाइक इज ऑल सेट। आप जज्बा को लेट मी जस्ट क्लीन इट। अब यार बता, जज्बा लड़की है या लड़का है, बाइक लड़की है लड़का है, नो इट लुक्स लाइक अ फीमेल, मुझे नहीं पता हिंदी में हम उसको ना वाई इट इज अ थ्रिलिंग बट कांट डू मच अबाउट इट। नेवर्थलेस So it's time to clean Jazba and then we are ready to roll in about half an hour to 45 minutes and we are going to start our Jodhpur chapter of Temple Trail in Rajasthan. Keep watching.